इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा पूर्व पार्षद 9889888555, प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415059458, सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलैया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SBJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्शना दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 02832 9। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर का सेवन किया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महिलाओं की तरफ से जिज्ञासा है, महाराज जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु, उनकी जिज्ञासा है। सौभाग्यवती महिला किसे माना जाता है, जिसका पति हो या माता पिता, सास ससुर पुत्र हो। गुरुदेव, हमारे नगर में एक दीक्षा समारोह हुआ, उसमें चौक पूरने के लिए सौभाग्यवती महिला को बोली के माध्यम से मौका दिया, लेकिन एक महिला को चौक नहीं पूरने दिया क्योंकि शादी के 4 साल बाद बच्चा नहीं हुआ था। इस प्रसंग को लेकर समाज में विवाद की स्थिति बनी है, तनातनी का माहौल है। अतः आप सौभाग्यवती की वर्तमान में परंपरा है, ये लोक परंपरा है, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया, अलग अलग रूप से इसकी प्रस्तुतिकरण हुआ है। जब मंदिर शिल्प की बात जहाँ आई तो उन्होंने सौभाग्यवती उसको कहा जिसके पीहर पक्ष में और ससुराल पक्ष में 3 पीढ़ियाँ जिंदा हों, 3 इधर की पीहर की 3 उधर की, ऐसी कोई महिला को सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ बेटा हो, बेटे का भी बेटा हो, और उधर उनका पिता हो, पिता का भी भाई हो, भाई का भी बेटा हो, ऐसी 6 पीढ़ियों से युक्त को महिला को सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग भी आता है। दूसरा आता है माता की अपेक्षा से भी सौभाग्यवती है। तीसरा दंपति की अपेक्षा भी सौभाग्यवती माना गया है। अब इनमें कौन से प्रसंग में क्या प्रसंग है उसको देख करके करना चाहिए। कुछ अति हो जाती है, इतनी अति नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको लोक व्यवहार मान करके ही स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांत नहीं। एक बार मेरे सामने समस्या आई, एक बहुत बुजुर्ग दादी माँ थी और वो माता के लिए लोगों ने कह दिया कि भाई तुम नहीं आ सकती हो क्योंकि तुम विधवा हो। अब मुझे वृद्ध माता पर दया आया, मैंने कहा कि भाई देखो विधवा को तो नहीं आना चाहिए, विधवा को तो शुभ कार्य में आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन पति मरा है ना, बेटा तो जिंदा है, बेटे की माँ को बुला लो, कहो उस फलाने बेटे की माँ भी यहां आएगी, तो माँ तो अशुभ नहीं है ना, तो उसको माँ के नाम से मैंने उसको शामिल किया। मैंने कहा विधवा के नाम से मत करना, माँ के नाम से कर लो। तो इस प्रकार के कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिसमें अतिवाद ना हो। एक व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता को व्यवहारिक रहना चाहिए, अति क्लेश नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत अशुभ होता है तो कहते सब उसके कारण हुआ है, ऐसी लोक मूर्ताओं को नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका निषेध नहीं है कि मैं व्यवहारिकता नहीं होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे लोक व्यवहार की परिणतियाँ मंजूर हैं जो मिथ्यात को जन्म ना दें, कुगुरु कुदेव को शास्त्रों की तरफ जो न ले जाएं, ऐसी लोक परंपराएं भी स्वीकार हैं।
स्वाध्याय मंडल मरा गांव दसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। द्वारका दहन के समय जो जन हिंसा एवं जीव हिंसा हुई उसका दोष किसके हिस्से में जाएगा? वो किसी को नहीं जाएगा, हिंसा तो हिंसा ही। दीपायन मुनि ही कम से कम इसके भागीदार हैं, तभी तो उनकी सदगति नहीं हो पाएगी, यूं मानना चाहिए। विनीता जैन अशोका गार्डन भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। हम लोग सब मिश्र कर जी जाते हैं और ऊपर जब वंदना करने जाते हैं तो किसी कारण से चंदापुर भगवान की टोंक पर ऊपर नहीं जा पाते हैं, नीचे से ही अर्घ चढ़ा देते हैं, तो वो पूरी वंदना मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब नहीं जा सकते हैं तो ठीक है, अब कई लोग पहाड़ भी नहीं चढ़ पाते हैं, नीचे से ही नमस्कार कर लेते हैं तो उनको पुण्य का बन तो होता है। ऐसे प्रसंगों में जैन धर्म भावना प्रधान होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिना चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे ईश्वरबारा से पधारे श्रीमान ऋषभ जी और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर संगीता जी बीना। माइक की व्यवस्था करें, कौन लिए है माइक? ब्रह्मचारिणी किरण दीदी 5,000 रुपए छत के लिए नकदी, कुसुम हुकुमचंद जैन ककड़ारी वाले बाहुबली नगर 5,100 रुपया नकदी, श्री अनिल कुमार नीलम श्रुति रांची अभियांस 11,000 रुपये नगद, कमलेश जैन कल्पना जैन प्राणपूर्ण हाल भोपाल 5,100 रुपये नगद, 250 ग्राम चांदी, संजय सुषमा सजल आदसी सिद्धांत चौधरी परिवार महू जिला इंदौर। जिज्ञासा बहुत है, पहुंच गए, छोट बड़ी पर्ची ही बांचो जी, पहुंच गए। 500 ग्राम चांदी राजेश मोदी सुमन मोदी श्रद्धा, 1 किलो चांदी स्नेहा जैन अनोरा तनु जैन अनोरा समस्त अशोक कुमार राजकुमार गल्ला मंडी प्रदीप कुमार गल्ला मंडी अध्यक्ष परिवार। माइक पहुंच गया, कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, पूज्य सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अभी तो केवल सुन रहे थे, शाही पंचकल्याण का नाम सुना है, शाही पंचकल्याण देख रहे थे, आज आंखों से देख के महाराज लगा धन हो गए हमारा जीवन, किस पंचकल्याण को हम देख सके। अभी अंचल जी से हमने कहा था कि इतना भार आप कैसे संभाल रहे हो, इस पंचकल्याण को देख के चार पंक्ति गुरुवर आपके चरणों में, अभी ऐसे पावन संत मिले हैं, ऐसे पावन संत मिले हैं जिनको पाकर सब धन्य हुए, और हमको इनको ऐसे गुरु मिले जिनको पाकर ये नग्न हुए, इनको दिया आशीष गुरु ने यह मूरत कीरत बन बैठी, जिस ओर उन्होंने गमन किया वह धरती तीरथ बन बैठी, जिस ओर उन्होंने गमन किया धरती तीरथ बन बैठी। आज पूरा ललितपुर नगर तीर्थ बन गया है कि अभिनंदन होता है, पूरा ललितपुर कदम कदम पर तीर्थ बन गया है। भगवान मेरी जिज्ञासा है आपके चरणों में कि जब आचार्य श्री परमेश्वरी का विहार होता है तो सभी लोग भी शुद्धि बनाते हैं कि आचार्य श्री हमारे नगर से आ जाए, इस तरफ विहार हो जाए, इस तरफ विहार हो जाए, वो विशुद्धि बढ़ाता है, जाप देता है, प्रधान करता है, माला फेरता है, बहुत विशुद्धि बढ़ाता है कि भगवान हमारे नगर से गुरु जी निकल जाए, और जब नगर में आ जाते हैं तो फिर और विशुद्धि बढ़ाता है कि हमें उसका पड़गान मिल जाए आचार्य परमेश्वरी का। वो कहता हमारा एक पुण्य माला फेरना ज़्यादा कर देता है, विधान करता है, पूजन करता है कि भगवान हमें पड़गान मिल जाए गुरु जी का। अंत में अपने मूल लायक के सामने कह के आता भगवान आज गुरुवार आपके सामने शुद्धि लेंगे और हमें उनका पड़गान मिल जाए, बस ऐसी व्यवस्था हो जाए और हमारा सारा पुण्य लग जाए और आचार्य पड़गान मिल जाए, तो ऐसा उसका भान क्या उसको निदान बंद होता है या उसका भान ऐसी भावना गलत है या सही है महाराज? गृहस्थ के लिए ऐसा भाव करना कोई आपत्तिजनक नहीं है, सत्कार्यों के लिए भक्ति में भावना रखना गृहस्थ की सराग भक्ति कहलाती है, और गृहस्थ के लिए सराग भक्ति करना निषेध नहीं है, विधेय है, कर सकता। नमोस्तु गुरु। इसके बाद जिज्ञासा रखें डॉक्टर संगीता जी बीना। देखें जिनका नाम बोलें वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माइक हाथ में ले लें, उपस्थित हैं क्या? शीघ्रता से आप आगे आएं,
इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्राचार्य अरुण जी ब्यावर, जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं, तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, जैसा कि हम आगम से पढ़ते आए हों, आचार्य मुनिराजों से सुनते आए हैं कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, बालक होते हैं, यौवन अवस्था में होते हैं, उनका केश बढ़ते नहीं हैं। तो जब दीक्षा को प्राप्त होते हैं तब अपने वो जो जन्म से आए हुए केश हैं उनको भी पंचमुष्टि करके अलग कर देते हैं, केश लॉन्च कर लेते हैं। तो जो आगम में है, तो हमारे यहाँ की जो प्रतिमाएं पूर्व समय से हैं, उनमें समझ गया आपका प्रश्न कि केश लॉन्च बढ़ते नहीं हैं। पहली बात तो आपने गलत पढ़ लिया है, गलत सुन लिया है। तीर्थंकर के जन्म से नख केश नहीं बढ़ते हैं, ऐसा कोई आगम वचन नहीं है। गृहस्थ अवस्था में भी उनके नख और केश बढ़ते हैं, मुनि अवस्था में भी नख और केश बढ़ते हैं। केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं उनमें आता है कि नख केशों की वृद्धि रुक जाती है। तो केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते, मुनि अवस्था में गृहस्थ अवस्था में नख भी बढ़ते हैं, केश भी बढ़ते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, आदिनाथ भगवान ने हन किया तो उनके केश बढ़कर के इतने लंबे हो गए और नख इतने बड़े हो गए कि नीचे तक लटकने लगे। तो नख और केशों में कोई बढ़, केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते हैं, पहले बढ़ते हैं। आभार, बहुत बहुत आभार मुनिवर, आपने शंका का समाधान किया। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य महोदय अरुण जी ब्यावर, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी जी, शशि दीदी जी और सुनीता दीदी जी, तीनों खड़े हो जाएंगे। जिज्ञासा एक रखेंगे। चांदी छत्र में 290 ग्राम चांदी शीतल प्रसाद मुन्नी भाई विनोद जैन हिरावल वाले परिवार की ओर से, नकदी श्रीमती कस्तूरी हेमलता, सपना अंजलि शिवानी ककड़ारी वाले परिवार की ओर से नकदी आई है ये। और कल जो पूज गुरुदेव के नवदा भक्ति के साथ पावन आहार दान देने का सौभाग्य मिला था, उन्होंने श्री राजा श्रीयांश के परिवार सुंदरलाल बालचंद सीलचंद शिखरचंद अनोरा परिवार 11 किलो चांदी की घोषणा की है छत्र के लिए। भगवान के आहार, भगवान आदि कुमार के आहार हुए थे। क्षमा भाई हीरा लाल पुत्र अजय अरविंद संजय इंदौर 1 किलो चांदी तिलक नगर 21,000 रुपए छत के लिए। श्री शशांक श्रीमती अंशुल जैन जिनीसा जैन नोएडा 11,000 रुपए। श्री रविंद्र बुखारिया श्रीमती अंजना बुखारिया, डबल घोषणा नहीं कराए भाई साहब, एक बार पहले भी हो गई घोषणा। किरण जैन की स्मृति में देवोदय असीम कालीन भक्तांबर पाठ 55,555 रुपए। बीरेंद्र कुमार अनीता जैनम हर्षता करमई वाले परिवार अहमदाबाद, ये भी घोषणा हो चुकी है। जिज्ञासा रखें प्राचार्य अरुण जी, जिन्होंने श्रमण संस्कृति के संरक्षण तथा उन्नयन हेतु श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान नामक अद्भुत ज्ञान तीर्थ की स्थापना करके मिथ्यात्व तम से आच्छन्न इस संपूर्ण जगत में सम्यक्त्व का आलोक फैलाया है, ऐसे उन श्रमण सूर्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगो श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन है कि हे पूज्य गुरुवर, आपकी प्रेरणा से ही संस्थापित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत बालिका संस्थान के नवीन भवन का निर्माण कार्य निरंतर जारी है और उस बालिका संस्थान के भव्य रूप में निर्माण हो इसके लिए आपके उपदेश से प्रेरित होकर के अमेरिका और एवं इंदौर में जिनका कारोबार है श्रीमती आशा रानी जी पांड्या के द्वारा 151 तथा 151 दोनों संस्थाओं के लिए 151 कलशों की घोषणा की गई है। उसके अलावा मुंबई के म्यूचुअल फंड के सरताज श्रीमान प्रशांत जी जैन के द्वारा 201 कलश की राशि प्रदान की गई है। पूज्य श्री, आपकी भावना के अनुरूप संस्थान का भव्य भवन
अति भव्य रूप को धारण कर रहा है, परंतु जैसी आपकी भावना है कि कोई भी बालिका, प्रमोद पहाड़िया एक और, श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया साहब ने भी 151 कलश की राशि की घोषणा करी है, जो हमारे संस्थान के कार्याध्यक्ष भी हैं, हमारी संस्थान से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब अपनी ओर से सेवाएं भी करते हैं और आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। पूज्य गुरुवर, आज ज्ञान कल्याणक के दिवस के अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरुवर, जैसी आपकी भावना है कि भारत की कोई भी बच्ची पथ से विचलित ना हो, संस्कृति के अंतर्गत रहे, समाज के अंतर्गत रहे, इस दृष्टि से कोई बालिका खाली लौट कर ना जाए, उसको प्रवेश मिल सके, स्थान मिल सके, हमारी आपसे पुरजोर जो है पूज्य गुरुदेव निवेदन है कि आप समाज को ऐसी प्रेरणा करें कि अभी जो हमारी और भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अभी जो 5 मंजिला भवन बनना है उसमें 2 मंजिलों का कार्य शेष है, और उसके अलावा बालक संस्थान में भी 1 मंजिल का विशाल ऑडिटोरियम भी बनना है, तो जैसे आपकी प्रेरणा से दातारों की लाइन लगती है, पूज्य गुरुवर आज ज्ञान कल्याणक दिवस के अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें और हमारी जो है आपकी भावनाएं भी पूर्ण हो और हम सब जो है उस कार्य को बढ़िया दे सकें। पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में फिर से बार बार नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। ज्ञान कल्याणक की जरूरत नहीं है, जब भी बोलता हूँ उसी दिन ज्ञान कल्याणक हो जाता है। जय हो, जय हो। क्योंकि वो स्वयं आज के युग में एक ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा की तरफ दौड़ रही है, ऐसे समय पर श्रवण सत्सी संस्थान का होना इतना जरूरी है, जैसे चतुर्थ आदि कालों में जगह जगह भगवान के समोषण केवली शुद्ध केवली होते थे और वो कहीं भी विहार कर सकते थे, लेकिन आज पंचम काल में मुनियों की सीमित है, हर जगह विहार नहीं कर सकते, लेकिन श्रवण से संस्थान मुनियों की आवाज़ को भारत के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। बच्चे और बच्चियों का एक दोनों सम्मेलन अभी 2000 वर्ष में लगभग, यूँ कहना चाहिए भगवान महावीर स्वामी के बाद, अभी तक भारत में कोई ऐसा बच्चियों के लिए संस्थान नहीं था जहां बच्चियों को दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाए। कहीं दी जाती है लौकिक शिक्षा ही मात्र, कहीं दी जाती है धार्मिक शिक्षा ही मात्र, लेकिन बालिका छात्रावास सांगानेर में दोनों प्रकार की शिक्षाएं, इधर आजीविका भी इधर स्वाध्याय भी, 5 साल तक शास्त्री कर करके वो जब बाहर निकलते हैं तो एक विद्वान विदुषी के रूप में सामने आते हैं। तो आज के युग में बहुत बच्चियां सुधरने के लिए तैयार हैं, सुधारने वाला चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि लोग कहते हैं फलानी बच्ची बिगड़ गई, फलानी बच्ची भाग गई, फलाने बच्चे ने फलाने से शादी कर ली, ये एक आध घटना घटती है तब आप डिंडोरा पीटते हैं, हम लोगों के पास प्रश्न करते हैं, समाज के बीच में बैठ के होते हैं, इन सब से तुम्हारा कोई भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। समाधान होने वाला उससे है कि जो बच्चियां, सैकड़ों बच्चियां आपके दरवाजे सुधरने के लिए बैठी हैं, उनको तो आप इंतजाम नहीं कर रहे हो, और जो बच्ची बिगड़ने को बैठी है उसके लिए आप चिंता कर रहे, जो बच्ची बिगड़ने को बैठी उसके संबंध में सोच रहे, और जो सैकड़ों बच्चियां हैं जो कहती मैं सुधरने को तैयार हूं मुझे सुधारो, उनके लिए आपके पास कोई सोच और चिंता नहीं है। किसनगढ़ चतुर्मास में यह सोच आगे बढ़ा और उपदेश भी मैंने दिया कि भाई वहां भी एक घटना घटी थी, कहीं बाहर की जिज्ञासा में समाधान आया था, किस प्रकार की बच्ची है, इस प्रकार के गलत परिवार में चली गई, तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए तो कोई बस की बात है नहीं। आचार्य महाराज के पास एक बार, बहुत पहले की घटना है, पूज्यवर के सामने किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी बूचड़ खाने बहुत खुल रहे, तो आचार्य ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, सरकार मंजू दे रही वो खोल रहे, मैं सरकार तो हूं नहीं, मेरी बात मानो तो एक हाथ अपने पास है, बूचड़ खाने तो हम बंद नहीं कर सकते लेकिन हम गौशाला खोल सकते। जब हम गायों का जो रॉ मटेरियल जो कटने जाता है
उसको हम गौशालाओं में बंद कर देंगे तो कसाई खानों को गाय मिलेगी नहीं। तो वही सूत्र मैंने दुनिया को दिया कि जो बच्ची भाग रही है, जो बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कानून के पक्ष में एक ही तरीका है कि जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको हम संभाल लें और उनको ऐसे स्कूल खोलें जिन स्कूलों में नॉन वेज ना हो, जिन स्कूलों के अंदर मैनेजमेंट मांसाहारी ना हो, अपने खुद के स्कूल खोलें और ऐसे हो ऐसे छात्रावास खोलें जो कि दोनों प्रकार के कार्य करें। उसी के परिणाम स्वरूप सन 1961 चतुर्मास में ये निर्णय लिया कि बच्चों के साथ में बच्चियों का भी एक संस्थान होना चाहिए। जो बच्चियां सुधरना चाहती हैं उन बच्चियों को सुधारा जाए, बिगड़ने वाली बच्चियों को छोड़ दो, उनको तो कुछ नहीं होने वाला। नीति वही है, जो बिगड़ चुका है उसे क्या सुधारना, जो बिगड़ने की कगार पर है उसे संभाल लो। तो आज सैकड़ों बच्चियां हैं जो सुधरने के लिए तैयार हैं। हम संस्थान के अंदर 200-250 बच्चियों के फॉर्म भरे जाते, 30-40 ले पाते क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। दो टाइम भोजन और एक रहने के लिए कमरा, आधा कमरा, इतना यदि सारे भारत का श्रेष्ठ वर्ग इससे फ्री कर दे तो भारत की 50% से ज्यादा बच्चियां मैं तुम्हें ब्राह्मी सुंदरी दे दूंगा। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, बात इतना सोचना है कोई ऐसा किमिक्षिक वरदान दे दे कि कोई भी बच्ची अपने दरवाजे आए उसको वापस मत जाने देना। जितनी बच्चियां सुधरना चाहती हैं वो सुधरने दिया जाए और 5 साल तक जब शास्त्री कर करके बच्ची लौटेगी तो 3 पीढ़ियां सुधरती हैं। हम आर्या नहीं बना रहे, ब्रह्मचारिणी भी नहीं बना रहे, आपको गृहस्थ बनाने की बात कह रहा हूं। इधर माँ बाप की भी लाज रखेगी, उधर ससुराल जाएगी तो ससुराल की भी लाज रखेगी और बच्चों को जन्म देगी तो उनको भी भक्तांबर तत्वासूत नमोकार मंत्र पढ़ा देगी। मैं पंडितानी भी नहीं बनाने का भाव, मेरा कहना एक अच्छी माँ बने, कम से कम अपने बेटे के जाए बेटा बिटिया को कम से कम भक्तांबर तत्वासूत छेडाला कुछ तो पढ़ा सके। तो ऐसी माताएं तैयार की जा रही हैं श्रमण संस्थित संस्थान बालिका छात्र माताएं, ऐसी बेटियां तैयार की जा रही, ऐसी बहन तैयार की जा रही, यानी गृहस्थ जीवन भी सुव्यवस्थित रहे इस हेतु। लेकिन इसके लिए श्रेष्ठी वर्ग को आगे आना है, जैसा कि अभी ये 3-4 श्रेष्ठी आगे आए और इन्होंने कार्य किया। मैं तो कहता हूँ एक किमिक्षित वरदान वाला चाहिए जो ये कह दे कि कितने बड़ी हॉस्टल बनाओ, बस बच्चियां वापस न जाना चाहिए सुधारने के लिए। ऐसे लोग आ जाएं तो फिर पूरे देश में एक तहलका मच जाएगा और सारी नारी जाति एक ऐसी सुरक्षा कवच में बन जाएगी कि जिससे कोई भेदन भी नहीं कर पाएगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी भावना है। इसके बाद जिज्ञासा करें, ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी, शशि दीदी और सुनीता दीदी जी तैयार रहेंगे हमारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम संयोजक श्रीमान संजय जी रसिया और मनोज जी बबीना। श्री संतोष कुमार अर्पित आकाश आदर्श चिगलुआ वालों द्वारा 1 किलो 23 ग्राम चांदी नगद जमा की है, 200 ग्राम चांदी सुषमा अनुश्री सिद्धार्थ आईसी गुना स्टी राहुल स्टील गुना नगद और छत्र हेतु श्री कपूर चंद राजमती 300 ग्राम पुरानी चांदी नगद। श्री राजकुमार चंदा यस महिमा जी हमारे ब्यावर परिवार द्वारा 11,000 रुपए, पूर्णमा मुकेश सराफ 21,000 रुपए, पूर्णमा मुकेश सराफ बीना 1 किलो चांदी छत्र के लिए और आनंद कुमार रसिया प्रभा रसिया पाली 1 किलो चांदी छत्र के लिए। हमारे मंत्री श्री सतीश नजाजी परिवार की ओर से 1 किलो श्री रतनचंद कल्पना रजनीश ऋतु रवि बजाज परिवार मड़ावरा वाले 1 किलो चांदी, श्रीमती विनोदनी नजा सतीश नजा जितेन सत्यन आशीष नजा परिवार 11,000 रुपए नगद जमा, कुमारी पलक श्रुति सेजल नविया कुसागरा नजा परिवार ललितपुर भक्तांबर के लिए। कृपया जिज्ञासा करें।
पूज्य मुनि द्वय के चरणों में हम सभी बहनों का, पाठशाला परिवार का और परिवार के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कारमाण काय योग में चक्षु अचक्षु दर्शन होता है कि नहीं? कारमाण काय योग में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन नहीं होता है, लेकिन क्षयोपशम होता है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन रूप परिणति होना और चक्षु दर्शन अक्षय दर्शन के क्षयोपशम होना, क्षयोपशम के बिना वो चौइंद्री में कैसे पैदा होगा? इसलिए कारमाण काय योग के साथ चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन को कहा गया है। आंखें नहीं है उनकी, लेकिन क्षयोपशम है, इस प्रकार से माना है। क्षयोपशम की अपेक्षा से उनके चक्षु दर्शन दोनों मानना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा हेतु ये है कि दर्शनोपयोग से रहित कभी भी जीव नहीं होता, चाहे वो कारमाण काय योग में हो चाहे विग्रह गति में हो, कभी भी दर्शनोपयोग से रहित नहीं होता। अब सामान्य जीवों के दो ही दर्शन होते हैं, चक्षु या अचक्षु। अवधि दर्शन तो होता नहीं, मना परिज्ञान होता ही नहीं, चक्षु और अचक्षु दर्शन होते। अब दो दर्शनों में से यदि कोई भी दर्शन नहीं है विग्रह गति में, तो विग्रह गति दर्शनोपयोग से रहित हो जाएगी। इसलिए दर्शनोपयोग से रहित नहीं है तो वहाँ पर क्षयोपशम की अपेक्षा से दोनों दर्शनों को स्वीकार किया गया है। महाराज जी, तीर्थंकरों के वर्धमान चारित्र होता है, तो क्या आहार संबंधी भी कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनका वर्धमान चारित्र होना चाहिए? विशुद्धि की अपेक्षा वर्धमान चारित्र है, क्योंकि ये जो पांच प्रकार के चारित्र जैनाकम में कहे हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा तो जो 28 मूलगुण आत्मक होता है, सामयिक, छेदोप स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात, ये चारित्र भावों की अपेक्षा है। इसलिए उनकी विशुद्धि वर्धमान चारित्र रूप होती है, क्रिया रूप नहीं, क्योंकि आहार को भी उठते हैं और प्रवृत्ति भी करते हैं, छठे गुण स्थान में भी आते हैं, तो उनकी जो विशुद्धि परिणाम होते हैं वो दिन प्रतिदिन विशुद्धि बढ़ती रहती है। इस अपेक्षा से जानना चाहिए, द्रव्य चारित्र की अपेक्षा से तो बस इतना ही है कि वे कभी मूल गुण जो धारण करते हैं उनमें कभी अतिचार नहीं लगाते, उनमें कभी दोष नहीं लगते, वो प्रतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि दोष ही नहीं लगते। तो द्रव्य चारित्र की अपेक्षा तो उनका चारित्र सदोष नहीं होता है, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा जो वर्धमान चारित्र कहा गया है वो पांच चारित्रों की अपेक्षा से कहा गया है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी रसिया, मनोज जी बबीना, और तैयार रहेंगे इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में। लंदन से जो प्रतिभाग करने इंद्र राणी का सौभाग्य अर्जित करने पधारे हैं श्रीमान अभिषेक जी। श्री गजरा भाई आनंद निधि रूपल रवि रौनक 22,000 रुपए छत्र के लिए, और प्रेमचंद श्रीमती सुमत जैन अभिषेक फ्रिजगा आकर्ष 21,000 रुपए की दान राशि छत के लिए, डॉक्टर कपूरचंद सरोज अंकता अंशुल आर्जव 51,000 रुपए श्री भक्तांबर जी विधान के लिए, और 1 किलो चांदी अंशुल मेडिकल परिवार की ओर से डॉक्टर कपूरचंद सरोज जैन 990 ग्राम चांदी नगद जमा, श्री अजय कुमार, श्रीमती सीमा सौंधिया, स्वाति सुमेरचंद सौंधिया विजयनगर 5100 रुपए नगद, श्री मथुरा प्रसाद जी, ललित जैन भोपाल, श्रीमती जयंती जैन 11,000 रुपए नगद, श्री शांतिबाई जैन, राजकुमार जैन बड़घरिया लागौन वाले 5,000 रुपए नगद, श्री अलंकार, श्री अमर ज्वेलर्स 5,000 रुपए, श्रीमती रिंकी, श्रीमती सिंघई संगीता सिंघई 11,000 रुपए, श्रीमती सरोज जैन, श्री जय कुमार जैन बामोर वाले 11,000 रुपए, श्री विजय जैन कटपीस 11,000 रुपए, श्री नाथुराम जी बैद 7100 रुपए, श्री मछुरा, श्री राजेंद्र जैन, साधना जैन देवेंद्र नगर 5100 रुपए, श्री विमलेश जैन, सौरभ जैन सरण्या सिरोंज 5100 रुपए। कृपया जिज्ञासा करें। पूज्य मुनिद्वय पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए श्री देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र जैन, रश्मि जैन, बसंत सम्यक आदि जैन लागौन वाले 200-250 ग्राम चांदी, श्रीमती सरोज, श्री ऋषभ सत भैया, संगीता सुनील भैया 300 ग्राम चांदी। जिज्ञासा करो।
पूज्य मुनि द्वय के पावन श्री चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, इस अनुष्ठान का आगाज घट यात्रा की प्रभावना जलूस से हुआ था महाराज श्री, और उसके बाद जन्माभिषेक का भी प्रभावना पूरे शहर में इस कार्यक्रम का वो आगाज हुआ। पूज्य मुनि, हमारा निवेदन है कि कल जो ललितपुर में इस कार्यक्रम का समापन, इस धार्मिक अनुष्ठान का जो जैन और जैनेतर बेचैन है महाराज जी, वो इस भीड़ में समाहित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो और हमें मार्गदर्शन दें महाराज श्री के ये 11 गजरथ जो जैन और जैनेतर के विजय जहान में है कि ये कैसे चलेंगे और ये क्या महत्वता रखते हैं महाराज जी। हमें तुमने एक का शब्द का प्रयोग किया, समापन, जैनागम में समापन शब्द नहीं है, उद्यापन शब्द है जी महाराज जी। जब हमारे यहाँ कोई व्रत पूर्ण हो जाता है ना, तो उसका समापन नहीं किया जाता, उसका उद्यापन, और उद्यापन का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना, प्रज्वलित करना, फैलाना, विस्तार करना। तो कल जो 5 दिन का पंच कल्याणक हुआ शाही, उसका सारे जगत में फैलाव होगा, विस्तार होगा, उद्दीपन होगा, उद्दीपन होगा, उद्यापन होगा। उद्यापन क्या होता है, उसे उजागर करो, तुमने क्या आनंद पाया है, क्या पंडाल के अंदर होता रहा, क्या 5 दिन तुम करते रहो, ये सारे जगत को उद्यापन करने के लिए, उद्दीपन करने के लिए यह महोत्सव है। कल का समापन नहीं है, कल उद्दीपन है, उद्यापन है पंच कल्याणक महोत्सव का। तो जो उद्यापन कल जो महोत्सव है, एक खास तौर से कल का जो दिन है दोपहर का, वो मात पूरे विश्व में क्या, पूरे भारत में क्या, मात बुंदेलखंड की असाधारण पहचान है। अन्य प्रांतों में मोक्ष कल्याणक करके इतिश्री हो जाती है, लेकिन बुंदेलखंड की ये परंपरा जो गजरथ महोत्सव की है, ये परंपरा एक असाधारण पहचान है, जिसे सगुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। सगुन कल एक सगुन है, जैनी लोग तो उद्यापन कर रहे हैं, अजैन लोग मानते हैं कि गजरथ पर जब जिनेन्द्र बैठते हैं, उस गजरथ को देखने मात्र से सगुन हो जाता है, शुभ मानते हैं। ये अजैन लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, कल तुम जैनी जितने हो गए उससे 100 गुने अजैन, अजैन के लिए सगुन है, वो मांगलिक है। वो कहते हैं गजराज के ऊपर भगवान बैठे हैं, ऐसे रथ को एक बार आंखों से देखना, दूर दूर से पैदल चल के आते, पहले अजैन लोग गाड़ियों से पैदलों से आते थे किलोमीटरों से, अभी देख लीजिए वासी का पंचकर्णक हुआ, सारे जगत ने देखा कि छोटे से गांव में इतनी पब्लिक। तो ये कल जो है सारे जैन अजैनों का सगुन निकलेगा, मंगलाचरण निकलेगा, सौभाग्य निकलेगा। गजरथ पर जब भगवान बैठेंगे और उनको जितनी दृष्टियां देखेंगी, उनके जीवन का, उनके वर्ष का, उनके सब परिवार का एक सगुन रूप माना जाता है। और सगुन जब किसी चीज का किया जाए तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी चीज है। जिनको जहां स्थान दिया जाए वो वहीं बैठना है, लड़ झगड़ के तुम बैठ भी लोगे लेकिन तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। मान लीजिए तुम्हारा पीछे नंबर बैठा, तुमने हल्ला गुल्ला झगड़ा करके आगे नंबर भी ले लिया लेकिन तुम्हारा शगुन बिगड़ गया। कल जो भी अपने परिणाम बिगाड़ेगा, जिसके परिणाम क्लेश आएगा, उसकी जिंदगी कल निर्णय हो जाएगी कि इसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि जब शगुन होता है किसी चीज का, शुभ होता है, उस समय ज्योतिष शास्त्रों में लिखा किसी भी चीज का शगुन होता है उस समय क्रोध आ जाना, उस समय कोई टोक देना, उस समय संक्लेश हो जाना, अब शगुन माना जाता है। आपको मालूम पहले दिन जब भैया जी को श्रीफल भेंट कर रहे थे, उस समय किसी ने टोक दिया था, मैंने कहा था कि बहुत गलत है, जिस समय कोई शगुन किया जा रहा हो उस समय कितना भी परिणाम हो, यदि प्राण भी निकल रहे हो तो मुंह से चीख नहीं निकलना चाहिए शगुन के समय। यदि थोड़ा भी संक्लेश हो गया, ये कान खोल के सुने सभी इंद्रानी सभी लोग,
कार्यकर्ता लोग, ललितपुर के नेता लोग, कल जो भी थोड़ा भी चिल्लाएगा, थोड़ा भी क्लेश करेगा, थोड़े मन में क्रोध आ गया, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इतना बड़ा शाही पंचखड़ा, उसके लिए अपशगुन माना जाएगा, अमंगल माना जाएगा। कल के दिन बाद में उसे रोना पड़े तो मेरे पास आंसू पहुंचने को रूमाल नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए मेरे पास आशीर्वाद तो है, आपका चेहरा सदा हंसता रहे, आपकी जिंदगी फलती फूलती रहे, इसके लिए मेरे पास आशीर्वाद है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कल गड़बड़ हो जाए और आंसू आए तो पहुंचने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए कल सुबह उठ करके नौ बार नमस्कार मंत्र पढ़ लें। आज कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम किसी भी प्रकार से संकलेश नहीं करेंगे। हमें रथ में स्थान मिले तो, नहीं मिले तो, मेरा सम्मान होवे तो और नहीं होवे तो, कैसी भी दशा हो, हम अपने परिणामों में क्षमता भाव रखेंगे। और किसी के निमित्त से यदि थोड़ा भी मन में संकलेश हुआ तो जो निमित्त बनेगा उसका भी बंटा झार है, कोई निमित्त भी ना बने। इसलिए कल उद्यापन है, उद्दीपन है, और इस उद्दीपन को सारे जगत में फैलाना है कि ललितपुर का शाही पंचकल्याणक एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक, जगत कल्याणी पंचकल्याणक, जगत के सौभाग्य को बनाने वाला पंचकल्याणक, यह सबके लिए शगुन और मांगलिक हो। नमस्कार। जिज्ञासा करेंगे लंदन से पधारे श्रीमान अभिषेक जी, और तैयार रहेंगे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जो रहे हैं, श्रीमान प्रदीप जी आदित्य। श्री निर्मल कुमार, सुनील कुमार, सुदीप मोदी 5500 रुपए नगद, श्रीमती गुड़माला, वाइफ ऑफ सनत कुमार, हरीश जैन, आशीष जैन, नीलांश गोना परिवार 1 किलो चांदी नगद, श्रीमती ममता पदमचंद जी बंटवाले 1 अंगूठी सोने की नगदी, श्रीमती नीलम संजय जैन भोपाल, और श्री जीवनलाल नीरज कुमार चाय वाले सरायपुरा 200 ग्राम चांदी नगद, और श्रीमान हमारे श्रीमन सेठ, ये जो अतिशयकारी अभिनंदन नाथ भगवान हैं, जिनकी वजह से आज ये इतना बड़ा शाही पंचकल्याणक और इतना बड़ा अभिनंदनों तीर्थ गुरुदेव की कृपा से आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे हमारे अतिशयकारी अभिनंदन नाथ को उच्चासन पर विराजमान करने का परम पावन सौभाग्य हमारे श्रीमन सेठ हीरा मोती परिवार गुरुजी के चेहते हीरा लाल प्रभात कुमार, अमित सराफ, अंकित सराफ, अनय सराफ एवं श्री संदीप सराफ, सम्यक सराफ लालू अलंकार ज्वेलर्स परिवार को प्राप्त हुआ है। और ऐसे उच्चासन पे बैठेंगे हमारे अभिनंदन नाथ, अभी तो बहुत, अभी तक भारत में इतने सम्मान के साथ किसी ने भी नहीं बैठाना है, अभी मेरे सानिध्य में, तो जितने सम्मान के साथ ये परिवार बैठा रहा है, जय हो, वो मैं बोलूंगा नहीं, बस इतने काफी है कि अभी तक बहुत लोगों ने मूर्ति विराजमान की, लेकिन इतनी सम्मान के साथ नहीं की जितना कि प्रभात जी लालू परिवार ने भावना करके कहा और उत्साह से आगे कहा कि हमारे दादा पिताजी, पिताजी हीरालाल जी, ये बचपन से ही इन्हीं भगवान के आराध रहे हैं और इन्हीं का ना, इन्हीं के प्रभाव से हम लोगों को पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा किया, इन भगवान को विराजमान करने के लिए इन्होंने अनमोल कर दिया था। और ऐसा कमिक्षिक दान दे करके और भगवान को ये परिवार बैठा लेगा, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद है। श्री अमित जैन, सोहम जैन, सोहिता जैन, इंद्रपुरम गाजियाबाद 250 ग्राम चांदी नगद। असल में क्या था कि ये 3-4 महीने छुपा रहा, भूमिगत रहा। चातुर्मास स्थापना पता ही नहीं, मैंने कहा हीरालाल के छोकरे गए कहाँ, अब मुझे पता नहीं था कि वो लंबी डुबकी लगा करके कुछ नीचे रत्नों का भंडार निकाल के लाएगा। जय हो। हाँ, 2-3 महीने तो गुम सुधा रहा, मैंने कहा पता ही नहीं है कि नहीं। श्रीमती ममता साधना प्रियम जैन 11,000 रुपए निवासी टीकमगढ़ प्रवासी दिल्ली, डॉक्टर दिलीप, सुमन बोबरा, अरविंद प्रवीणा, नियमन निर्माण बोयरा अमेरिका 1 किलो चांदी इनके द्वारा घोषणा की गई है।
नवीन सुनीता नायक छत में 5100, श्रीमती प्रमिला जैन सलोनी छिंदवाड़ा 11000 रुपए। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज जी, सौदेर परिवार से आपको तिरबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पास एक शुभ सूचना है और एक जिज्ञासा है। हम लोग लंदन में कुछ 50-60 परिवार हैं और पिछले कुछ महीनों से हम लोग बहुत प्रयासरत थे कि वहाँ पर एक मंदिर बने और उसका जमीन क्रय हो जाए। हमें पिछले हफ्ते लंदन यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट से वहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। जिज्ञासा करें और हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दें वहाँ पर मंदिर का। मेरा आशीर्वाद है, मुझे ज्ञान में है, संज्ञान में है, मेरी भावना है कि आपका कार्य सफल। महाराज जी, जिज्ञासा मेरी ये है कि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ पाठशाला लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, अब मंदिर का निर्माण भी वहाँ हुआ जा रहा है, लेकिन एक हमेशा एक मन में शंका रहती है कि हम लोग वहाँ पर कंटिन्यू करें, वहाँ पर रहें, परमानेंट रहें, या फिर वापस भारत लौट आएं। अगर लौट आते हैं तो जो मंदिर है उनकी व्यवस्था नहीं बनती। मेरे से मत पूछो बेटा, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ सदा, जिन कर्मों ने तुम्हें भारत माँ की गोद दिए है, क्या ये गोद इतनी कम भी पड़ गई कि तुम्हें दो रोटी ना खिला सके? क्या गोद इतनी कम पड़ गई कि तुम्हें उंगली पकड़ के ना चला सके? क्या इस माँ का घर गोद इतनी कमजोर पड़ गई कि दो कपड़े तुम्हें ना दे सके? हमें तो भारत, जब कर्मों ने मुझे ऐसा आर्य पुत्र आर्य खंड दिया है, तो मैं तो इसी बात का समर्थन करता हूँ। हमारा भारत देश महान था, है और रहेगा। श्रीमान डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। श्री राजीव जैन, राशि जैन, सारांश जैन, झांसी छत्रेतु 10000 रुपए नगद। श्रीमती चंदाबाई सपरिवार ललितपुर 11000 रुपए नगद। कृपया जिज्ञासा करें। और देखो, इस महोत्सव के साथ साथ कार्य के लिए, ये कितने साल की तुम्हारे दाऊ की उम्र? 85 साल के हैं, लेकिन जब मंदिर के काम, आप प्रबंधक भी हैं, पंकज भी खूब बोलता है तो लोग के दाऊ नहीं होते तो हम इतना बड़ा कार्य नहीं कर पाते। हालांकि पंकज भली लड़ता रहे लेकिन अंदर से दाऊ को चाहता है। और इनकी निर्माण कमेटी भी मानती कि हम लोग तो सब साथ में हैं ही, अखिलेश वगैरह हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो सब मानते कि यदि सीलचंद अनोरा के जो मुख्यत्व में काम हुआ, जो इनकी निगरानी रही, हर बात में जो बारीकी रही, सारे ठेकेदार भी मानते महाराज दाऊ से बचाओ, क्योंकि ये सब देख करके तो ये देखो 85 साल के क्या नाम आदित्य, आप कहते हो कि कैसे ये महोत्सव है, ये 85 साल के बूढ़े भी जवान बन के 10 साल से काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज निकल गया और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा। आयुष जैन, राजेंद्र कुमार जैन, ग्वारी घाट जबलपुर 1 किलो चांदी की घोषणा। और श्री संजय जैन, सुल्लन पहलवान, प्रीति पूर्वी, नितांश जो है 105 ग्राम चांदी नगद। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें गुरुवार, इनको सीलचंद को दिया था, कोई पद लेना नहीं और पैसे को छूना नहीं, तुमसे इतने बड़े कार्य होंगे कि ललितपुर के पुराने कार्यकर्ता पीछे हो जाएंगे। जय हो। और पूरे 10 साल में पैसा छुआ नहीं, ना कोषाध्यक्ष है ना अध्यक्ष है, पैसा छुआ नहीं और करोड़ों का लेन देन इनके हाथों से हो गया। तो ये सबसे बड़ी, उसी का परिणाम है कि आज निर्द्वंद और पूरे शाही पंचकर्णक में साधु के मुक्की प्रशंसा के पात्र हैं। इनके साथ, इनके साथ ही सब हैं, कोमल दादा तो इतने साइलेंट रहते हैं, है ना, वो सब कार्य करते हैं, तो बहुत एक टीम थी इनकी और ये टीम 10 साल तक अपरिवर्तनीय रही। लोग कहते हैं कि जो आम लगाता वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन ललितपुर की ये कमेटी इन्होंने लगाए, यही खा रहे हैं। गुरुवार हमारी कमेटी ने पैसा देखा ही नहीं है, हमने तो छिया नहीं, ना तो देखा भी नहीं है, प्रबंधकों ने भी न किसी से पैसा छिया नहीं है न देखा है, हमारे तो सब बस देखते ही काम होते रहे। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
गुरुवर, ये अद्भुत शाही पंचकल्याण देखने मैं पुणे से यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। गुरुवर, मैंने कुंडलपुर का भी पंचकल्याण देखा और वो अद्भुत था। उधर गुरुवर साक्षात विद्यासागर जी विद्यमान थे। मैं समझता हूँ ये भाई पंचकल्याणक अद्भुत इसलिए है कि यहाँ लघु विद्यासागर विद्यमान है। जय हो, जय हो, विद्यासागर विद्यमान है, इसीलिए यह हो रहा है। गुरुवार, एक ही सवाल मैं पूछता हूँ। मैं जीवदया शाकाहार के क्षेत्र में काम करता हूँ। एक मुमुक्षु ने मुझे सवाल किया है और वो कहता है कि पिछले 50 साल से आप जीवदया शाकाहार का काम करते हो, पशुओं को बचाते हो, मगर ये गलत काम है। इससे न का आपका कभी कभी कर्मों की निर्जरा होगी, न पुण्य का संचय होगा, क्योंकि हर एक प्राणी अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार जीता है मरता है, आपको उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। समझ गया गंगवाल जी, ऐसे प्रश्न हमारे सामने बहुत आते हैं। पहली बात तो आपने पूज्य गुरुदेव की बात कही, उनकी बात तो छोड़ो, वो तो समोषण था, ये तो गंदकुटी है। नहीं, नहीं उनकी बात तो अलौकिक है, वो तो साक्षात चलते फिरते समोषण है। और मैं ना लघु हूँ ना छोटा हूँ, हमारे यहाँ तो विद्यासागर एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। हमारे यहाँ फर्स्ट नहीं चलता, सेकंड नहीं चलता, बड़ा नहीं चलता, छोटा नहीं चलता, विद्यासागर तो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। ना लघु होगा और ना बड़ा होगा, वो अद्वितीय होगा। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु, नमोस्तु। दूसरी बात है कि इस प्रकार के कुतर करने वालों से कहना, सुने गंगवाली, इन कुतर करने वालों से कहना, एक आध दिन उनके सामने बंदूक लगाने वाला ले जाना या कोई चाकू, और वो मारे तो तुम उनसे कहना, भाई देखो, तुम्हारे कर्म के उदय से तो बंदूक आ गई, आप कहो तो मैं बचाऊं, क्योंकि तुम कह रहे थे बचाओगे तो कोई कर्म की निर्जा नहीं होगी, इसलिए वो भाई तुम्हें मार रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे कर्म का उदय है। ऐसा थोड़ा एक आध दिन फैंसी ड्रेस कर देना, यदि तुम्हारे डीएरएस्ट हो तो उनको दिखा देना कि भाई देखो अब ये बंदूक छोड़ देगा, तुम्हारे कर्म में तो बंदूक लिखी है, अब कहो तो मैं बचाऊं, अब बताओ मैं बचाऊंगा तो मुझे पुण्यबंध होगा कि नहीं। वो चिल्ला पड़ेगा, महान पुण्यबंध होगा, बचाओ। ऐसे लोगों के लिए वही बचा पाएगा, अपनी भाषा नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे हमारे परम सम्मानी सीलचंद जी अनोरा दाऊ। अजय कुमार, संजय कुमार, अशोक नगर, 21,000 रुपए। श्रीमती इंदिरा संतोष गोयल, सुयस, 51,000 रुपए नगद जमा। श्रीमान प्रेमचंद, पुष्पा देवी, पंकज माधुरी, पार की पूर्वी वृद्धा परिवार, 31,000 रुपए नगद जमा। श्री अंबाला छावनी प्रवासी न्यूयॉर्क, आदिनाथ भगवान, सिविल लाइन मंदिर के लिए 51,000 रुपए की भूमदान में हेतु। श्रीमती क्रांति जैन, बीरेन टीकमगढ़, छत के लिए 5,100 रुपए। संजीव कुमार, ज्योति सुहानी, दिव्यांशी, परी जैन, कांसल परिवार, अशोक नगर, 11,000 रुपए। श्री नीरज जैन, विनोदी जैन, आस्था जैन, दीपक प्रज्ञा, आजादपुरा तुमन, 41,212 रुपए। कृपया दाऊ जिज्ञासा करो। मेरे गुरुवार, जगतपुर निर्यापाक मुनिपुंग मुनि श्री सुदासागर महाराज पूछा कूटा नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। गुरुवार, आपने गंगोदक की महिमा तो भरत क्षेत्र में तो बता दी ही है, लेकिन जब भगवान आदिनाथ का जन्म होता है, स्वर्ग से सौधर्म इंद्र आदि आते हैं, तो क्या ये यहाँ का गंगोदक स्वर्ग ले जाते हैं कि नहीं? अगर ले जाते हैं तो उसका क्या महत्व है वहाँ? स्वर्ग में ले जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे स्वर्गीय देवता वहाँ उपस्थित रहते हैं। ले जाने के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन उनको गंदोदक लगाने का उल्लेख मिला। इतना है कि वो गंदोदक में तैर जाते हैं, इतना है कि गंदोदक बरसात जैसे भीग जाते हैं और एक एक बूंद गंदोदक को माथे पर लगाते हैं, इतना भर उल्लेख है। ले जाने लाने के संबंध में, देवताओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। नमोस्तु, नमोस्तु। आज का ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
अब हम सभी लोग मिलकर के पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर करते हैं। पहले विनीत भाई को पहले। हमारे विनीत जी त्रिवेदी जिन्होंने ये पूरा आर्किटेक्ट पूरा डिजाइन बना के हम लोगों को दिया है। उस समय कल्पना भी नहीं थी, कीर्ति स्तंभ आदि कहीं बने नहीं थे। उस समय विनीत बाबू ने मेरी भावना रहती थी और इस मंदिर को चारों तरफ से बंद किया गया था, लेकिन इतनी रिक्स लेकर इन्होंने मंदिर खोला कि सब इंजीनियर भी आश्चर्यचकित रहते। श्री लीनेश जी सोमपुरा इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया है और जो सबसे पहले बना प्रतिष्ठा हुई और ये भी अलौकिक, चित्तौड़ के बाद ये ललितपुर का पहला कीर्ति स्तंभ इन्होंने बहुत जल्दी बना के दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान। नीलेश ने पहला कार्यक्रम तो जल्दी किया, अब बहुत धीरे करता है। ये आर्किटेक्ट हमारे विनीत जी त्रिवेदी, आर्किटेक्ट अहमदाबाद से थे जिन्होंने इस पूरे मंदिर का नक्शा बना के दिया सोमपुरा। अब ये लीनेश भाई हैं जो आपको वजनदार दिख रहे हैं सबसे, वो लीनेश भाई हैं। हाँ, और इन्होंने पूरी लगन से बहुत जल्दी, उम्मीद से भी इनका जो समय था उससे पहले इन्होंने बना के पूरा दे दिया। अब हम इसके बाद बुला रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो हमारे अपने बुंदेलखंड के हैं लेकिन कलाकार बहुत हैं, और जिन लोगों ने भी मंदिर के साथ जो भव्य गुफा मंदिर देखा है वो गुफा मंदिर अपने आप में अलौकिक है। हमारे भाई मानता यादव कटनी, बहुत सीधे सरल जो भी कह दो मानते हैं। जब शुरुआत इन्होंने की थी इस गुफा बनाने की तो हम सब लोगों ने एक राय होकर कहा था महाराज ये गुफा सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन बनने के बाद तो ऐसी लग रही है, बहुत सीधे सरल। और बनने के बाद वो गुफा ही सबसे सुंदर लग रही, लोग सबसे ज्यादा गुफा देखने जा रहे हैं। नहीं, उसने बहुत अच्छी हमारी भावनाओं को साकार रूप दिया। कठिन था, बहुत सारे इंजीनियर आए सब नहीं दे पाए, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से पूरा काम किया। आशीर्वाद बेटा। श्री अभिनंदनोदय तीर्थ में असीम कालीन भक्तांबर हेतु श्री अरविंद कुमार जी, आलोक कुमार जी, मीना जैन, प्राची जैन द्वारा घोषणा की गई है। आज की आरती कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेगा? 11111 ये थैला उठा ले जिनेन जी, 11111 11111 2 11111 2.5 3। कौन आज गुरुवर की इस इतने महा साई पंच कल्याणक महानुष्ठान में 11,001,225,225,25,527,27,227 और 27,227 1,2,5 अंतिम 10 सेकंड हमारे कांगे हीरा मोती परिवार आरती जा रही है 27,227 आपके भाव हैं क्या? बोलिए जगत पद जी मनीवर से 27,227 एक जगत 27,227 2 और 27,227 3 ये सौभाग्य हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब कपूरचंद अंकित 3 हो गई अभी दूसरी। हाँ, डॉक्टर कपूरचंद जी मणावरा वाले सपरिवार आ जाएं। दूसरी बोली 31,331 अन्नू भैया हमारी बात हो गई, आप टेंशन नहीं लो। 31,331 1 31,331 2 और 31,331 और कोई के मन भाव 3। ये सब बात हमारे एक और शख्स जो है सारे भारत के इंजीनियर है जो कुछ परिस्थितियों कारण से अभी थोड़े गौण हुए नहीं आ पाए, सारे भारत के आज जितने मंदिर दिखते हैं 20 साल के अंदर उन सब मंदिरों में निःशुल्क काम करने वाले अजय वाकलीवाल कोटा, जिन्होंने कम से कम 10 बार यहाँ आए होंगे शुरू में 20 बार और निःशुल्क सेवा की है, और यहाँ आकर के उन्होंने सारी जो योजना बनाई सारी सलाह दी अजय वाकलीवाल कोटा के, जो कुछ विशेष परिस्थितियों से अभी नहीं है उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन बहुत बड़े सर्वप्रथम अजय वाकलीवाल आशीर्वाद के पात्र हैं, उनका प्रशस्ति दिखा दो सब। और
गुरुदेव अजय बाकलीवाल के बारे में इतना छोटा सा कहूं, पूरी टीम के साथ आते थे, पूरा उन्होंने सर्वे किया और जिस मंदिर के लिए भी, और गुरुदेव के प्रोजेक्ट जहां जहां चल रहे हैं, ये ललितपुर नहीं, जहां जहां भी इंडिया में गुरुदेव के, इस भारत देश में जहां जहां गुरुदेव के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट का पूरा नक्शा ले, ग्राउंड लेआउट पूरा बना के वो देते हैं, पूरी टीम के साथ। आज तक कोई एक रुपया उन्होंने कभी नहीं लिया। आरती शुरू करें। 5,000 रुपए स्वर्गीय अशोक कुमार के पुत्र अखिलेश कुमार, आदेश कुमार जैन, कुमावली वाले महाराज की, बाबूलाल अनुज परिवार भट्टा गण की, गण आ गण की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु, आज उतारू आरतिया। आरती के थाल ले आओ पुजारी जी। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय गुरु आए, ईश्वर वारा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए, ऐसे गुरुवर को, ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषि वर को करो वंदन बारंबार हो गुरु, आज उतारू आरतिया। झूमगे हेलो 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 गुरु उपवास व्रतों के धारी, आत्म ब्रह्म विहारी, खंडक धार शिव पथ पर चल कर, शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवारी, गृह त्यागी की वैरागी की ले, दीप सुमन का थाल हो गुर, आज उतारे आरतिया। गुरु बने आज नयन से लख कर, अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके, फूला नहीं समाया गुरु जी, फूला नहीं समाया, ऐसे ऋषि वर को, ऐसे गुरु वर को, ऐसे यति वर को, ऐसे मुनि वर को, फिर वंदन बारंबार हो गुरु, आज उतारे आरतिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555, प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415059458, सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403, खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर, खाता क्रमांक 5269974732, IFSC कोड CBIN02832977। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।